हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आपका मैं। आज हम क्लास फिफ्थ का लेसन 9, जिसका टाइटल है इन द सर्विस ऑफ द नेशन, राष्ट्र की सेवा में, इस लेसन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेसन को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री कॉमनली कॉल्ड बाबूजी विद इन हिज फैमिली। लाल बहादुर शास्त्री अपने परिवार में सामान्यतः बाबूजी नाम से बुलाए जाते थे। वॉज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन एंड पैट्रियटिज्म। और ये अपनी सादगी, ईमानदारी, दृढ़ निश्चय एवं देशभक्ति के लिए जाने जाते थे। मैनी इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ शोज हिज पैट्रियटिज्म। और इनके जीवन में इतनी घटनाएं घटी हैं कि वो ये शो कराती हैं कि बाबूजी बहुत बड़े देशभक्त थे। फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एट इट्स पीक। फ्रीडम स्ट्रगल मीन्स स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था। बाबूजी वॉज इन जेल। बाबूजी जेल में थे। द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर्स इलनेस वरीड हिम। अपनी पुत्री की बीमारी की खबर सुनकर ये बहुत ज़्यादा चिंतित थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिलीज हिम ऑन पैरोल बट ही रिफ्यूज्ड। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि हम इसे एक वचन के साथ रिलीज कर देंगे, रिहा कर देंगे, बट ही रिफ्यूज्ड, परंतु उन्होंने मना कर दिया। हिज डॉटर वॉज डेस्परेट टू सी बाबूजी। इनकी पुत्री जो थी वो बाबूजी को देखने के लिए बहुत बेताब थी। बट बाबूजी वॉज इन द सर्विस ऑफ द नेशन। परंतु बाबूजी देश की सेवा में थे। हिज कंट्री वॉज डियरर टू हिम देन हिज डॉटर। इनकी जो कंट्री थी, देश जो था, इनकी पुत्री से ज़्यादा प्रिय था। बाबूजी वॉज अगेन इन जेल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल। बाबूजी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए फिर से दोबारा जेल गए थे। दिस टाइम हिज सन फेल इल। इस समय इनका पुत्र बीमार था। द ब्रिटिशर्स नो ही वुड नेवर रिक्वेस्ट फॉर हिज रिलीज फ्रॉम द जेल। ब्रिटिशर्स जानते थे, अंग्रेज जानते थे कि ये कभी भी हमसे ये आग्रह नहीं करेगा कि हमें जेल से रिहा कर दो। दे रिलीज्ड हिम ऑन पैरोल। उन्होंने उन्हें एक वचन के साथ रिलीज कर दिया, रिहा कर दिया। व्हेन द पैरोल एंडेड, जब पैरोल वह वचन खत्म हुआ, हिज सन वॉज स्टिल वेरी इल। उसका जो पुत्र था, इनका पुत्र जो था, वो अभी भी बहुत ज़्यादा बीमार था। हिज बॉडी टेम्परेचर रोज टू 106 डिग्री। उनके बॉडी का जो टेम्परेचर था, शरीर का जो तापमान था, वो 106 डिग्री था। द ब्रिटिशर्स आस्क्ड हिम टू चूज आइदर लीव फ्रीडम स्ट्रगल एंड लुक आफ्टर योर सन और बी जेल। ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने उनसे ये चुनने के लिए कहा कि या तो आप फ्रीडम स्ट्रगल मीन्स स्वतंत्रता संग्राम छोड़ दो और अपने बेटे की देखभाल करो या जेल जाओ। बाबूजी किस्ड हिज सन्स फोरहेड। बाबूजी ने अपने पुत्र के माथे पर किस किया एंड ऑप्टेड टू गो टू जेल, और जेल जाने के लिए चुना। द सन वेप्ट एंड इंसिस्टेड ऑन बाबूजी स्टेइंग विथ हिम। बेटा रो रहा था और बाबूजी के साथ रहने की जिद करने लगा। बट बाबूजी वॉज इन द सर्विस ऑफ द नेशन। परंतु बाबूजी देश की सेवा में थे। टीयर्स रोल डाउन बाबूजीज चीक्स अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आंसू बाबूजी के गाल पर बहुत लंबे समय तक लुढ़क रहे थे। द फेट वॉजेंट सो हार्श दिस टाइम। भाग इस बार इतना कठोर नहीं था। बाबूजी सन रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। बाबूजी का जो पुत्र था वो बीमारी से ठीक हो गया। लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। लाल बहादुर शास्त्री 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। ही गेव अ फिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान्स इन्वेजन ऑफ इंडिया इन 1965। उन्होंने 1965 में पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण किया था,
तो उस पर उस समय पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया. हिज स्लोगन जय जवान जय किसान वर्क्ड वंडर्स ड्यूरिंग द वॉर. युद्ध के दौरान उनका स्लोगन जय जवान जय किसान बहुत ही अद्भुत रूप से काम किया. तो लाल बहादुर शास्त्री डाइड ऑन 11 जनवरी 1966 एट तक्षकांड. लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 में तक्षकांड में हुई. ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1966 आफ्टर हिज डेथ. उन्हें इनकी मृत्यु के बाद 1966 में भारत रत्न से नवाजा गया. सो ये रहा आपके लेसन का हिंदी अनुवाद. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ. थैंक्स फॉर टुडे.